नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र, शुरुआत हेडलाइन से। वोट बैंक की राजनीति ने देश को दीमक की तरह किया तबाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भोपाल में मध्य प्रदेश कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, महागठबंधन में नाकाम रही कांग्रेस, देश के बाहर कर रही है गठबंधन की तलाश। दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला। राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों का ब्यौरा मीडिया और वेबसाइट पर देने समेत कई दिशा निर्देश। राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए संसद बनाए कानून। स्वच्छ ऋण के लिए जरूरी कदम उठाए बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सालाना समीक्षा बैठक में बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली। कहा, फंसे कर्ज की वसूली में मिल रही है कामयाबी। मौजूदा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बैंकों ने की 36,551 करोड़ रुपए की वसूली। भारी बारिश से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में अब तक 11 लोगों की मौत। हालात की समीक्षा के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री ने बुलाई बैठक। लाहौल स्पीति में बर्फीले तूफान में दो दिन से फंसे दो जर्मन नागरिकों को वायुसेना ने बचाया। और मीराबाई चानू और विराट कोहली को मिला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित। नीरज चोपड़ा, हिमा दास और मोनिका बत्रा समेत 20 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन पुरस्कार। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने आज चुनावी बुगुल फूंक दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की जमकर आलोचना की। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति को समाज का दीमक बताया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस महागठबंधन की नाकाम कोशिश कर रही है और देश से बाहर गठबंधन खोज रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर हुए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उनके विचारों पर चलने की बात की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह शामिल हुए। उन्होंने मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए वोट बैंक की राजनीति को समाज के लिए दीमक बताया। वोट बैंक की राजनीति ने समाज को दीमक की तरह तबाह कर दिया है। आजादी के 70 साल में जो बर्बादी आई, उससे अगर देश को बचाना है तो हमारे सामने ये वोट बैंक की राजनीति की दीमक से देश को मुक्त कराना, ये भारतीय जनता पार्टी की विशेष जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपने हालात से सबक नहीं ले रही और इसकी बड़ी वजह अहंकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके खिलाफ जितना कीचड़ उछाला उतना ही देश में कमल खिला है। वहीं कांग्रेस छोटे दलों से गठबंधन करने को मजबूर है। जरा कांग्रेस के लोग आत्मचिंतन करो, ये आपका बेहाल क्यों हुआ और आप इतने पराजय के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा 440 में से 44 हो गए, आत्मचिंतन करने को तैयार नहीं है और उसका कारण अहंकार। उसका कारण ये गद्दियां तो हमारे लिए रिजर्व है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हुए उनके विचार को पार्टी के लिए प्रेरणा बताया। साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है, शायद विश्व में
हम ही एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी की विचारधारा को जिस एक शब्द में जाना जाता है वो है एकात्म मानववाद। मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहने के दौरान मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकारों और जनता के साथ धोखा हुआ था। नरेंद्र मोदी ने चुनाव में मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के साथ जीत का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 विधानसभा चुनावों और 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए काम करें। बात को रखते हैं, जनता की आवाज बनकर खड़े हैं और केंद्र में पहली बार जो पार्टी कभी 10 सदस्यों से शुरू हुई वो पार्टी 11 करोड़ सदस्यों के साथ विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनकर खड़ी। 1800 के करीब विधायक देश भर की विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधायक बनकर सेवा का काम कर रहे हैं। 19 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जिस महाकुंभ में जितने भी कार्यकर्ता हैं लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश के हर बूथ से 65,000 से ज्यादा बूथों से जो कार्यकर्ता हैं हम सब एक संकल्प लेकर जाएं कि आने वाले 5 चुनाव और आने वाला लोकसभा का चुनाव ये मध्य प्रदेश से एक ऐसी हवा बनाए जो हवा धीरे धीरे आंधी में और लोकसभा का चुनाव आते आते सुनामी में परिवर्तित कर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फिर से एक बार ऊंचा करने का काम करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। इसे पूरा करने की दिशा में तेजी के साथ काम हो रहे हैं। कांग्रेस से बीमारू मध्य प्रदेश मिला था, उन्होंने इसे विकसित राज्य बनाया और अगले 6-5 वर्षों से प्रदेश को समृद्ध वो मध्य प्रदेश बनाएंगे। और बाद में लौटे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख के हमने जो कहा करके दिखाया, अगर उन कामों का भी विवरण दे तो पूरा दिन यहाँ लग जाए। अरे तुमने तो मेरे मध्य प्रदेश को बीमारू बना के रखा था। जहां चले जाओ दुनिया में मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता था बीमारू प्रदेश, बीमारू राज्य, राहुल बाबा बीमारू से मध्य प्रदेश को हमने विकासशील राज्य बनाया, विकासशील राज्य से अब विकसित राज्य बनाया और आगे 5 साल में कार्यकर्ता बहनों और भाइयों मध्य प्रदेश को समृद्ध राज्य बनाएंगे, समृद्ध राज्य बनाएंगे। भारतीय जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है और 1968 में वो भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया कि एकात्म मानववाद की प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि। उन्होंने लिखा कि स्वतंत्रता तभी सार्थक हो सकती है अगर ये हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बने और इस तरह की अभिव्यक्ति न केवल हमारे विकास में योगदान देगी बल्कि इसके लिए किए गए प्रयास से आनंद की अनुभूति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जन्म जयंती पर कोटि कोटि नमन। साथ ही प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। आज 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती का अवसर है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अंत्योदय का सिद्धांत उनकी देन रही। उन्होंने पूरी शक्ति संगठन को वैचारिक अधिष्ठान देने, कार्यकर्ता के निर्माण में, संगठन के विस्तार में अपने जीवन का अधिकतम कार्यकाल करवा दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से धोखाधड़ी करने और जानबूझकर कर्ज न लौटाने वालों के खिलाफ कारगर कदम उठाने को कहा है।
आज सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कामकाज की समीक्षा करते हुए बैंक अधिकारियों के साथ दिल्ली की बैठक में उन्होंने निर्देश दिए। वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि संगठित ढंग से कारोबार का विस्तार होने से भारत की अर्थव्यवस्था में 8% की दर से मजबूत आर्थिक वृद्धि हासिल करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकों से कहा कि वो कर्ज देने के काम में सूझबूझ और पूरी ईमानदारी बरतें, साथ ही धोखाधड़ी करने और जानबूझकर कर्ज न लौटाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। वित्त मंत्री की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ समीक्षा बैठक ऐसे समय हुई है जब सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय का फैसला हुआ है। बैंकों ने फंसे कर्ज की वसूली के लिए प्रयास तेज किए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बैंकों ने पुराने फंसे कर्ज से 36,551 करोड़ रुपए की वसूली की। पिछले साल इसी तिमाही में की गई वसूली के मुकाबले ये 49% अधिक है। इस मौके पर ऑनलाइन कर्ज हासिल करने के लिए एक ऐप भी जारी किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा और बड़ी मात्रा में दिया गया कर्ज एनपीए में बदल गया और अब एनपीए में गिरावट आई है और कर्ज की वसूली की रफ्तार बढ़ी है। ऑन बेसिस ऑफ द लास्ट क्वार्टर एंड व्हाट दे आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वार्टर्स टू कम, द गुड न्यूज फॉर देम इज दैट द एनपीएस आर ऑन द डिक्लाइन because recoveries have picked up. Recoveries have picked up not only because of the resolutions which have taken place in the NCLT, but they've also picked up because those debtors who fear that they are likely to cross the red line are paying up in anticipation of an IBC process being compelled on them. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए संसद और विधानमंडलों को कानून बनाने पर विचार करना चाहिए। आरोप तय होने वाले नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों वाली संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। राजनीति के अपराधीकरण पर रोक के लिए कोर्ट ने आज कुछ दिशा निर्देश जारी किए। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को आयोग को अपने आपराधिक इतिहास की जानकारी एक फॉर्म में मोटे अक्षरों में देनी होगी। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के बारे में जानकारी पार्टी की वेबसाइट पर देनी होगी। साथ ही कोर्ट ने इन जानकारियों का मीडिया के जरिए प्रचार करने का पक्ष भी लिया। कोर्ट ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राजनीति का अपराधीकरण परेशान करने वाला है। संविधान पीठ ने कहा कि हर नागरिक को उम्मीदवारों के जीवन के बारे में जानने का अधिकार है। जनहित याचिकाओं में यह सवाल उठाया गया था कि आपराधिक मुकदमों का सामना करने वाले उम्मीदवारों को आरोप पत्र दायर होने के बाद चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाए। मौजूदा कानून के मुताबिक आपराधिक मामलों में सजा के बाद ही चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सांसद या विधायक बनने वाले वकील कोर्ट में वकालत कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम ऐसे सांसदों और विधायकों को वकालत करने से नहीं रोकते। साथ ही कोर्ट ने सांसद या विधायक बने वकीलों को वकालत से रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालतों में बतौर वकील सांसदों और विधायकों की प्रैक्टिस के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सांसद और विधायक कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने फैसले में कहा कि उन्हें वकालत करने से रोकने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है। हमने यही कहा है कि जब तक वो आदमी व्यक्ति विधायक या सांसद है उसको केवल वकालत ही नहीं बल्कि वकालत के अलावा दूसरे कार्य करने पर रोक लगा देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट के लिए यही नियम है। कोई एसपी डीएम दूसरा काम नहीं कर सकता जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता। चूंकि इनके पास इतने काम है, इनको कानून बनाना है, इनको कानून रिव्यू करना है दुनिया भर, और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो MPs हैं इनके पास तो जजों के हटाने की पावर होती है। अब आप जिस जज के हटाने की जिसको आप हटा सकते हैं उसी के सामने अगर वकालत करेंगे तो ये बहुत ही गंभीर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। याचिका के मुताबिक बार काउंसिल के विधान और नियमावली के मुताबिक कहीं से वेतन पाने वाला कोई भी व्यक्ति वकालत नहीं कर सकता, क्योंकि वकालत पूर्णकालिक पेशा है। ऐसे में सांसद और विधायक जब सरकारी खजाने से वेतन और भत्ते लेते हैं तो कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। केंद्र ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सांसद और विधायक सरकार के पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है,
वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसलिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। रविंद्र सिंह चौहान, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने जेलों की स्थिति में सुधार के लिए 3 सदस्यों की एक समिति बनाई है, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अमिताभ राय करेंगे। समिति जेल सुधार से जुड़े विषयों की पड़ताल करेगी और उपाय सुझाएगी। इनमें जेलों में क्षमता से अधिक कैदी और महिला कैदियों की परेशानियां शामिल हैं। कोर्ट देश की 1382 जेलों में अमानवीय स्थितियों से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 5 अगस्त को कोर्ट ने इस पर नाखुशी जताई थी कि कई राज्यों ने अब तक जेलों के निरीक्षण के लिए बोर्ड ऑफ विजिटर्स की नियुक्ति नहीं की है। कोर्ट ने कहा था कि कैदियों का भी मानवाधिकार होता है और उनके साथ जानवर जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के संरक्षण के लिए विजन डॉक्यूमेंट जमा करने की समय सीमा 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर तारीख बढ़ाई गई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि पूरे आगरा शहर की हेरिटेज सिटी घोषित करना मुश्किल है और इस पर कोर्ट ने कहा कि ताजमहल के आसपास के कुछ हिस्सों को हेरिटेज घोषित करने पर विचार किया जाए। यूपी सरकार ने बताया कि अहमदाबाद का सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी ताजमहल के आसपास के इलाकों को हेरिटेज घोषित करने के काम में मदद कर रहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारतीय विद्या भवन के कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि शिक्षा का मकसद ज्ञान और आत्मविश्वास को बढ़ाना है, लेकिन आजकल शिक्षा को सिर्फ रोजगार से जोड़कर देखा जाता है। उन्होंने कहा कि कौशल विकास आज जरूरत बन चुका है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत आज तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और देश की विकास दर दुनिया में सबसे अधिक है। उन्होंने देशवासियों से मिलकर काम करने की अपील की। We are fortunate. The entire world economy is going slow down and Indian economy is moving up. World Bank, World Economic Forum, ADB, International Monetary Fund, Moody Ratings, everybody is saying India is going to become a strong economy. We are fortunate to be there in that period. It is our duty, our endeavor, all of us today to work together, work hard, join Government of India, Government of the state and universities and institutions together and make people to participate in public programs so that we can make a strong and stable and prosperous nation. और इसके बाद उपराष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण और किसानों के विकास से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसका आयोजन राष्ट्रीय सेवा समिति ने किया था। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने आज सुबह तिरुमाला में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की और भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का आशीर्वाद लिया। संसदीय कार्य मंत्रालय की पहल पर आयोजित राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन ओरिएंटेशन वर्कशॉप का आज समापन हो गया। सभी राज्यों के विधानमंडलों ने इसे लेकर खासा उत्साह दिखाया। वर्कशॉप में केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने की सराहना की और साथ ही सांसदों के साथ ही गहन संवाद की जरूरत बताई। वहीं नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने समापन सत्र में डिस्ट्रिक्ट क्लर्क को एक क्रांति बताते हुए कहा कि आज 500 योजनाओं का 90,000 करोड़ रुपए का धन DBT के तहत जा रहा है और इस नाते विधायी निकायों के कामकाज को और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटीकरण समय की जरूरत है। We have the public finance management system of the government of India is totally digital. I can't release anything without going digitally till the last point, and therefore there is full tracking of every money. The other is that this jam trinity and that billion mobile, billion biometric, billion bank account is very unique to India, and therefore we've been able to use direct benefit transfer. Now, 500 schemes of government, we are putting money straight into the bank account of the beneficiary. This is the biggest transformation that has happened. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से अब तक 1,000 से अधिक लाभार्थियों ने फायदा उठाया है। वहीं 40 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री की ओर से चिट्ठियां भेजी गई हैं। इन चिट्ठियों में QR कोड और चिन्हित परिवारों की दूसरी जानकारियां मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल मरीज सेवा प्राप्त करने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में कर सकते हैं। इन चिट्ठियों को आरोग्य मित्र या प्रशिक्षित लोग अस्पतालों में स्कैन करेंगे और लाभार्थियों को वेरीफाई कर उन्हें हेल्थ केयर की सुविधा मिलेगी।
पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने और उसे साफ बनाने वाले उपकरण वाइव की शुरुआत की। इस उपकरण को विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने तैयार किया है, जो बहुत अधिक यातायात वाले स्थानों पर वायु प्रदूषण कम करने और वायुमंडल में जहरीली गैस को खत्म करने का काम करेगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए चौराहों में वायु संवर्धन और शुद्धिकरण यंत्र लगाए जा रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने मंगलवार को इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस यंत्र में भविष्य की जरूरत के हिसाब से बदलाव किया जाएगा। आसपास की हवा को बेहतर बनाना, ये इसका उद्देश्य है। आने वाले समय में इसके कई सारे मॉडल्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के माध्यम से, IIT मुंबई के इंडस्ट्रियल डिज़ाइन डिपार्टमेंट के माध्यम से विकसित किए जा रहे हैं, ताकि बस शेल्टर्स पर और दूसरे स्थानों पर इसको हम लगा सकें। 15 अक्टूबर तक दिल्ली के अलग अलग जगहों पर इस तरह के 54 उपकरण लगाए जाएंगे। इससे हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। ऐसी कामयाब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो हमारे देश की पॉल्यूशन जैसी ज्वलंत समस्या का समाधान करने में भारी सहायक होगी, मैं समझता हूँ कि ये वैज्ञानिकों का अभिनंदन करने योग्य है। वायु संवर्धन और शुद्धिकरण यंत्र को CSIR और नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर तैयार किया है। ये उपकरण एक दिन में आधी यूनिट बिजली का इस्तेमाल करता है और इसके रखरखाव में हर महीने में 1,500 रुपए खर्च होंगे। अरुणा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। देश भर के पुलिस थानों को बलात्कार के मामलों के साक्ष्य जुटाने के लिए अब विशेष किट मिलेगी। गृह मंत्रालय ने यौन अपराधों के मामलों में तत्काल खून और सीमन के नमूनों को इकट्ठा करने के लिए पुलिस सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट उपलब्ध कराने जा रही है। देश में महिलाओं के यौन हमले के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस को सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट दी गई है। इसे घटनास्थल से ही सही तरीके से सबूत जुटाने के लिए डिजाइन किया गया है। गृह मंत्रालय की इस पायलट परियोजना का पुलिस को लंबे समय से इंतजार था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट्स हैं, जो कि MHA का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंडर सभी पुलिस स्टेशन को डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। तो ये एक इस रेप केसेस या सेक्सुअल असॉल्ट केसेस या प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट के केसेस में काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि कई बार देखा गया है अगर सीन ऑफ क्राइम से प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन ना हो तो लेटर स्टेज पे अक्यूज्ड को बेनिफिट मिल जाता है। देश में यौन हमले और बलात्कार के मामलों में पुलिस के सही तरीके से सबूत पेश न कर पाने के चलते ज्यादातर अपराधी कोर्ट से बच निकलते हैं। एविडेंस के अभाव में ज़्यादातर जो लोग हैं, इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं, उनको जो है छोड़ दिया जाता था, उनका कन्विक्शन नहीं हो पाता था, क्योंकि पुलिस प्रूव नहीं कर पाती थी कि क्या ये आदमी क्राइम किया है कि नहीं। बिकॉज हर एविडेंस को आज के दौर में टेक्नोलॉजिकली जो है वो एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा पुलिस को आप इक्विप करेंगे तो निश्चित रूप से उतने ज़्यादा लोगों को सजा देने में पुलिस को जो है वो सुविधा होगी। साइबर क्राइम के जानकारों के मुताबिक किट से साक्ष्यों का सही से इकट्ठा और सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है। जो मैनिपुलेशन होती है, मैनिपुलेट जो डेटा होता है, सबसे पहले तो हमें उससे बचना है कि वो सही तरह से स्टोर हो, सही जगह पर एक्सेस मिले और सही पर्सन के हाथ में हो जाए। फिर आगे फ्यूचर में इसको आगे बढ़ा के इसको और डिजिटलाइज किया जा सकता है, ताकि एक्सेस में आसानी हो। गृह मंत्रालय की इस परियोजना के तहत शुरुआत में 3,960 किट खरीदी जाएंगी और 100 किट हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाएंगी। विपिन चौहान, राज्यसभा TV। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के पांगी गांव में एक कार खाई में गिर गई और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। राज्य के मुख्यमंत्री के मुताबिक लाहौल स्पीति में ट्रैकिंग कर रहे IIT रुड़की के छात्रों समेत सभी 50 ट्रैकर्स सुरक्षित हैं। वहीं भारतीय वायुसेना ने पिंगडम लॉ में फंसे 2 जर्मन नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। उधर हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से लाहौल स्पीति जिले के सेब के पौधों को खासा नुकसान पहुँचा है। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश से कई शहरों में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। धान और सब्जियों की फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई है।
मुजफ्फरनगर में लगातार हुई तेज़ बारिश से शहर के तमाम हिस्सों में पानी भर गया और ट्रैफिक के साथ ही बिजली की समस्याएं सामने आईं। दिल्ली NCR में बारिश से तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली NCR में बारिश का सिलसिला जारी है और कई जगह हल्की बूंदाबांदी और बौछारें पड़ी। हालांकि रुक रुक कर हो रही बारिश से पानी भराव में सड़कों पर आवाजाही में कोई खास दिक्कत नहीं रही। वहीं हरियाणा में भी लगातार बारिश की खबर है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और भारतोलक एस मीराबाई चानू को संयुक्त तौर पर आज प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। खेलों में भारत में ये सबसे बड़े पुरस्कार हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये पुरस्कार दिए। और वहीं अर्जुन अवार्ड के लिए इस बार 20 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिनमें एथलेटिक्स से नीरज चोपड़ा, हिमा दास और जिनसन जॉनसन शामिल हैं। बैडमिंटन से नीलाकुर्ति सिक्की रेड्डी तो बॉक्सिंग से सूबेदार सतीश कुमार को अर्जुन अवार्ड मिला। वहीं महिला क्रिकेटर स्मृति मंथाना, गोल्फ से शुभंकर शर्मा, हॉकी में मनप्रीत सिंह और सविता भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हुई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।